दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा फार्मालोगिन चैनल में। हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक्सीमैक्स डी आई ड्रॉप। दोस्तों, आज इस ड्रॉप के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस यूज में ये ड्रॉप आती है, डॉक्टर लोग किस यूज में इसको देते हैं, एंड क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम को दूर करती है आँखों की, एंड क्या परेशानी में दी जाती है, कौन सी परेशानी को दूर करती है। ओके दोस्तों, मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए एंड तक। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, बेल आइकन के दबाने के अनुसार सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँच जाएंगी इसी तरह की। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, बताते हैं इस मॉक्सीमैक्स डी आई ड्रॉप के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर पहले जानेंगे क्या साल्ट पाया जाता है, फिर इसके अंदर जानेंगे कंपोजिशन से कौन सी कंपोजिशन से मिलकर बनी है एंड कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं इसके अंदर। ओके दोस्तों, फिर इसका यूज इसके बारे में जानेंगे, फिर इसको कैसे डालना होता है वो भी जानेंगे। ओके दोस्तों, पहले इसके ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। ये दोस्तों एलकेम कंपनी का प्रोडक्ट है। दोस्तों, बहुत अच्छी प्रोडक्ट या कंपनी बनाती है इस प्रोडक्ट को। ओके दोस्तों, इसके अंदर जान लेते हैं पहले साइड के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर साइड पाया जाता है मॉक्सीफ्लोक्सीन एंड डेक्सोमिथासोन। दोस्तों, दोनों ही इन्ग्रेडियन या साल्ट बहुत अच्छे हैं, इन्हीं इन्ग्रेडियंट से ये मिलकर बनी हैं। चलिए इसके कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर फिर यूजेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसके अंदर इन्ग्रेडियंट मिलाए गए हैं मॉक्सीफ्लोक्सीन हाइड्रोक्लोराइड। मॉक्सीफ्लोक्सीन पाया जाता है 0.5%। ओके एंड डेक्सामिथासोन सोडियम फॉस्फेट पाया जाता है 0.1%। ओके एंड प्रिजर्वेटिव्स एंड बेंजाइल क्रोनियम क्लोराइड सोडियम आईपी पाया जाता है 0.01%। ओके दोस्तों, इन्हीं इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी है ड्रॉप। दोस्तों, बहुत अच्छी ड्रॉप है। चलिए इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आँखों में जलन होती है, आँखों का लाल पड़ना होता है एंड आँखों का दुखना होता है, एंड आँखों में इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तब इस ड्रॉप को दी जाती है पेशेंट को। दोस्तों, आँखों की सारी प्रॉब्लम को दूर करती है, एक तरह से इसको हम एंटीबायोटिक कह सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन टैबलेट भी आती हैं, सिरप भी आती हैं, ऐसी इन्हीं तरह की ये ड्रॉप है। दोस्तों, आपको ये एंटीबायोटिक ही है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी ड्रॉप है, आपको आँखों की प्रॉब्लम में, कोई सी प्रॉब्लम में आप इसको डाल सकते हैं। ज़्यादातर तो ये आँखों की एलर्जी एंड आँखों में लाल हो जाना आँखें, उसके लिए ये ड्रॉप दी जाती है एंड दुखती हैं आँखें, दर्द होता है आँखों में, उसके यूज में ये ड्रॉप आती है। दोस्तों, बहुत अच्छी ड्रॉप है, आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। चलिए इसके ड्रॉप दिखा देते हैं दोस्तों हम आपको, किस तरह की ड्रॉप आती है एंड कैसे डालनी होती है आँखों में। दोस्तों, इस तरह की ड्रॉप आती है, 10 ml कंटेन में आती है। दोस्तों, आपको ये कैप खोलकर आपको आई में सुबह शाम दो दो ड्रॉप डालनी है आँखों में। ओके एंड उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपकी आँखों को। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें। दोस्तों, ऐसे इस्तेमाल ना करें दोस्तों। ओके चलिए इसके MRP भी जान लेते हैं। दोस्तों, कितनी MRP का ये प्रोडक्ट मिल जाएगा किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से। ओके दोस्तों, 88 रुपये का आपको ये आसानी से मेडिकल पर मिल जाएगा किसी भी मार्केट में। ओके एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करा जरूर एंड हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एंड कोई इस ड्रॉप को, कोई आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हम आपके साथ बने रहेंगे इसी तरह से। दोस्तों, आपका प्यार मिलता रहे इसी तरह के। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।